हरिद्वार में प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं अतिक्रमण हटाओ अभियान पर हरिद्वार में कांग्रेस नेता प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते नजर आए। कांग्रेसियों का आरोप है कि हरिद्वार प्रशासन हाईकोर्ट के आदेशों की आड़ में मनमर्जी कर लोगों का उत्पीड़न कर रहा है। वहीं प्रशासन पर लग रहे इन आरोपों को अधिकारियों ने सिरे से नकार भी दिया है। अधिकारियों का कहना है कि लोग प्रशासन पर बेबुनियादी आरोप लगाते हैं। इन्होंने चुनौती दी है कि आरोपों को सिद्ध करके दिखाइए। तो हाईकोर्ट के आदेश की आड़ में अतिक्रमण के नाम पर भेदभाव हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है और आतंक फैलाया जा रहा है, ये हम इसके विरोधी हैं, इसका विरोध करते हैं। खतरा तो इस बात की निकलेगी कि भाई सब व्यापारी इकट्ठा होंगे, कांग्रेस जन इकट्ठा होंगे कल 11 बजे सेवा समिति भवन में, इस बात की निकालेंगे कि हम इसके विरोध में हैं और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जितने जनहित के आदेश हैं उन सब का भी पालन होना चाहिए, केवल एक आदेश का ही पालन नहीं होना चाहिए। ये आरोप जो भी लोग लगा रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और मेरा चैलेंज है कि वो जो भी आरोप लगा रहे हैं उसको सिद्ध करके दिखाएं। जहां भी आरोप गलत साबित होगा उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हम कार्रवाई करने को तैयार हैं। दूसरी चीज, वो एक जगह भी अगर साबित कर देंगे कि हमने ज्यादा किसी को तोड़ा हुआ है तो हमारी टीम जो भी कहेगी ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ।